नमस्कार, प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ प्रतीक्षा वर्मा। तो चलिए नजर डालते हैं। प्रभारी निरीक्षक दुबहर रंजीत सिंह को कुछ लोगों के द्वारा जानकारी मिली कि थाना क्षेत्र के ग्राम नगवा बयासी दादा की छपरा के कुछ मुस्लिम लॉकडाउन हो जाने के कारण आर्थिक स्थिति खराब है। पूरा परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच चुका है। ऐसे में ईद जैसा महत्वपूर्ण त्यौहार मनाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यह जानकारी मिलने के उपरांत प्रभारी निरीक्षक रंजीत सिंह ने दसों परिवारों को मीडिया सेंटर अखार पर बुलाकर पुलिस पब्लिक अन्नपूर्णा बैंक के माध्यम से खाद्य सामग्री आटा चावल तेल मसाला नमक सेवई सब्जी आलू प्याज बैंगन वितरित किया गया, जिससे कि सभी 10 परिवारों के चेहरे पर खुशी छा गई। प्रभारी निरीक्षक द्वारा बताया गया कि जो भी जरूरतमंद है उनको खाद्य सामग्री वितरित किया जाएगा। इंडिया 24 लाइव टीवी के लिए मुकेश सिंह की रिपोर्ट। बलिया में सुखपुरा थाना क्षेत्र के वसंतपुर गांव में 4 मई को आधी रात में दया शंकर सिंह के घर पर चोरों ने घर के पीछे से लगी खिड़की को उखाड़कर लाखों के गहने व नकदी उड़ा ले गए। बता दें कि वसंतपुर निवासी दया शंकर सिंह के घर पर शादी होने को थी, जिससे घर पर नकदी व बेटी तथा बहुओं के गहने रखे थे। श्री सिंह की एक बेटी जिसकी शादी सहतवार के महाराजपुर में हुई थी, जो 4 मई को अपने मायके आई थी, उसी रात को जब सभी सो गए तब चोरों ने तकरीबन 10 लाख के गहने व 2 लाख नकदी पे हाथ साफ कर दिए। सुबह जब घर के परिजनों की नींद खुली तब खिड़की को टूटा देख उनके होश उड़ गए। तत्काल इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई, जिसकी सूचना पाते ही पुलिस पूछताछ कर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। लेकिन घटना के 20 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक चोरी की घटना का कोई खुलासा नहीं हो पाया है, जिससे परिजनों में आक्रोश व्याप्त है। श्री सिंह ने पुलिस अधीक्षक को इस मामले को संज्ञान में लेते हुए इसकी जाँच की मांग की है और घर के परिजनों व गाँव में भय का माहौल बना हुआ है। इंडिया 24 लाइव टीवी के लिए सुनील कुमार सिंह की रिपोर्ट। हाँ, ये मेरा मायका है। गर्मी का छुट्टी था बच्चों का, तो इसलिए घूमने के लिए अपना गहना रखी थी यहाँ पर शादी मेरे भाई को। अब आई उसी दिन वो चोरी हो गया। अब उसी दिन चोरी हो गया। हाँ, उसी रात को चोरी हो गया। चल को आई और रात को चोरी हो गया 1 बजे के करीब में, लगभग 1 से 3 के बीच में। कितने का गहना था? मेरा 8 लाख का गहना था। और कुछ कैश भी चोरी हुआ? और कैश पापा का चोरी हुआ। पापा जी, पापा का 2 लाख कैश था, वो मम्मी का 2 लाख का गहना था। कंप्लेन हुआ है? कंप्लेन हुआ है, एफ आई आर हुआ है थाना। दरोगे गए थे? हाँ, 2 बार आए चेक करके गए। चेक करके गए। माता जी अपना नाम बताइए। अच्छा जी, आपका भी गहना चोरी हुआ? कितने का चोरी हुआ माता जी? 2 लाख का गहना आपको चोरी हुआ। उसी सारा गहना एक ही साथ में रखा? चोरी चोरी कैसे हुई माता जी? चोरी अब चोरी करने वाला का कैसे चोरी किया? आपको जगह कर चोरी किया या पीछे से सेल मार कर? जंगला उखाड़ कर। जंगला उखाड़ कर। उस घर में कोई रहता था? हमारे बगल में आया, वही कुछ हुई थी उसी घर में की बगल में? बगल में। थोड़ा सा भी भनक नहीं मिला आप लोगों का? थोड़ा सा भी जानकारी नहीं मिली? कुछ जानकारी एकदम ना भई। सर 4 बजे लकड़ी से जानला उठा रहे से सिक्किन ही देवल भीतर से। अच्छा, भीतर से? हाँ, भीतर से सिक्किन था। मतलब कि उबल बनल कहीं चढ़बे तो सिक्किन खोलब तो देखिए बक्सा मैंने जुटे हो एक दू बोले के भाग दिया कि या बक्सा काट के लेके चल गए बदल दीजिए। बर बक्सा काट के उनमें से माल निकाल दिए पूरा मैंने ध्यान पूरा गाना लड़की के गाना भाई हमारे पति क्या करते हैं? अभी कहाँ है वो? कश्मीर में। क्या छुट्टी आने वाला है? छुट्टी अभी तो नहीं आने वाला, कोरोना चल रहा है। अभी चोरी हो गई, हमको बताइए आप। हाँ बताए, क्या दिन बताए? 5 तारीख। अच्छा, पूरा गहना चोरी हो गया।
अच्छा आपको कितने तारीख को आपके यहाँ चोरी हुआ है? 4 और 5 बैठ हिला मत। 4 और 5 तारीख को जब चोरी हुआ आप उस टाइम कहाँ थे और परिवार कहाँ थे? सब कैसे चोरी हुआ? क्या निकाल करके क्षेत्र जंगले का बिल निकाल कर और चोरी हो गया? आपको किसी पर शक है? आप जब चोरी हो उससे पहले आपका घर में कोई काम हो रहा कार्य हो रहा था क्या? 1 महीना पहले कैंटीन का काम, कैंटीन में काम हो रहा था। कितने लेबर फट रहे थे आप? कहाँ के रहने वाले? क्या क्या चोरी हुआ है? आप लड़की की शादी हो गया है? कहाँ हुआ है सर? इस टाइम यही पर है वो लड़की घर में, हमारे घर में। आप लड़की यहाँ पर आई हुई थी, उनका गाना भी चोरी हुआ है। कितने का गाना चोरी हुआ? लड़की का 8 लाख और नाम भी डाल। किस चीज में गहना रखे थे आप? सूटकेस के बाद बड़े बॉक्स के अंदर रख के ऊपर से रजाई बैग वगैरह रख के उसके बाद 2 लाख हो गया। आपकी बेटी का तो गहना चोरी हो गया, बेटी आपसे कुछ बोल रही है? कुछ नहीं रहा। अच्छा, इसी के साथ मैं प्रतीक्षा वर्मा चाहती हूँ आपसे इजाजत, बने रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी से। नमस्कार।